बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डेली वजीफ़ा टीवी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन लोगों को खुसूसन रिज़्क का मसला बना हुआ है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, दुकान उससे बरकत नहीं है, कुछ आ नहीं रहा है, मुलाजमत है तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये वजीफ़ा करो, तुम्हारी सात पुश्तों से कभी रिज़्क की कमी जो है वो नहीं आएगी, तुम्हारी सात नस्लें तुम्हें दुआएं देकर मरेंगी दुनिया से अगर तुमने इस वजीफे को इसकी शरायत पे कर लिया। सिर्फ एक दफ़ा आप इसे पूरा मुकम्मल जो पढ़ दे, इसकी हकूक़ को पूरा अदा करके, तो इंशाल्लाह आपकी सात नस्लों में कभी किसी किस्म की पैसे की जो परेशानी या तंगी है वो तुम्हारी सात नस्लों में भी नहीं आएगी। तो एक तस्बीह इसकी सिर्फ आपने पढ़नी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। तो इसके जो हक हकूक हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप सदका करें, जो भी आपको हसब तौफीक है वो आप सदका करें। फिर उसके बाद जहां आपने इसे पढ़ना है वहां सलातुल हाजत के दो नफल पढ़ें। फिर उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना बयान करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 41 दफ़ा दुरूद पढ़ें और उसके बाद इस वजीफ़े की एक तस्बीह पढ़ें, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, इसकी एक तस्बीह, और एक तस्बीह 141 दफ़ा की होगी। इसे पढ़ें और फिर उसी तरह दुरूद पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें, तो अल्लाह के फजल व करम से 41 दिनों के अंदर अंदर, 41 दिन मुकम्मल करना है लेकिन 41 दिनों में इंशाल्लाह आपको इसके आसार जो है वो मिल